हेलो एवरीवन इलास्ट्रेटर के आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे मेश टूल ये एक सैम्पल मैंने यहाँ सेव करके रखे दिस इज़ द मेश टूल ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं ऐसा इफेक्ट आप सिर्फ मेश टूल से ही दे सकते हैं ना मेश टूल इज अ सुपर पावरफुल टूल ऑफ इलास्ट्रेटर ना इलास्ट्रेटर इज अ टू सॉफ्टवेयर मीन्स आप इलास्ट्रेटर में जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें थ्री डी नहीं होता है सिर्फ टू डी फ्लैट ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं बट इस फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को अगर थ्री डी जैसा लुक देना है और उसको फोटो रियलिस्टिक बनाना है तो हम उसमें यूज करते हैं मेश टूल जब आप मेश टूल यूज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट जो फ्लैट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेश यानी चादर जैसा एक क्रिएट होता है और फिर उस एंकर पॉइंट को पकड़ के हम कलर्स चेंज करते हैं सो so, आज मैं बनाऊंगी एक ग्रेप्स और वो एक नॉर्मल ग्रेप्स का इमेज और उस ग्रेप्स के इमेज के ऊपर मैं क्रिएट करूंगी मेच टूल नाव जब आप मेज टूल बना रहे हैं इधर अगर आप आर्टिस्ट हैं तो पहले एक ड्रॉ कर लीजिए एंड देन उसको इलास्टेटर में लेके आइए स्कैन करके या फोटो खींच के एंड देन आप उसके ऊपर मैश शूज कीजिए मैं नेट से एक ग्रेप्स का पिक्चर लूंगी उसके ऊपर मैं मेश क्रिएट करूंगी सो so, सबसे पहले इस इमेज को मुझे लॉक करना है जनरली हम लॉक यहाँ से करते हैं ऑब्जेक्ट लॉक लॉक करने से पहले आप इसको एम्बेड कर लीजिए मतलब ये इमेज आपके एंटायर इलास्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाएगा तो अगर आप इस इमेज को किसी के पास भेज रहे हैं तो आपको अलग से इमेज भेजने की जरूरत नहीं है अगर आप ए आई फाइल भेज रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये इमेज आपके फाइल के साथ चला जाएगा मैं पहले जाती हूँ विंडो और लेयर्स क्योंकि मुझे एक न्यू ऑप्शन आपको लोगों को दिखाना है कि कैसे इस इमेज को लॉक कर सकते हैं नाउ ये इमेज मेरा एक टेम्पलेट जैसा है इस इमेज को मैं फाइनल यूज़ नहीं करूँगी इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगी तो ये जो लेयर वन है इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा कलर ब्लू ये एक्चुअली आपके लेयर का कलर है तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ ब्रिक रेड में बट द मेन थिंग इज दिस टेम्पलेट टेम्पलेट आइकन पे क्लिक कीजिए और डीम इमेजेस टू मतलब इमेजेस का ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ताकि आप उसके ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं बट यहाँ मैं डीम इमेज नहीं रख रही हूँ मैं कर रही हूँ हंड्रेड परसेंट एंड हीट ओके अब देखिए जब भी आप इस इमेज को हीट ओके okay कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक लॉक्ड इमेज बन गया एंड इस टेम्पलेट बिकॉज ये मुझे सिर्फ यूज़ करना है एज अ रेफरेंस नाउ एक नया लेयर क्रिएट कीजिए और यहाँ से जो भी ग्रेप्स आपको बनाना है उस ग्रेप्स के ऊपर आप इधर इलिप्स टूल यूज़ कीजिए और पेन टूल से इसका शेप बना लीजिए तो मैं यहाँ से ये ग्रेप्स को यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा ये इलिप्स बना लेती हूँ देन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको ऐसे ड्रैग करके इसका शेप चेंज कर लीजिए प्रेस ऑल्ट और ये हैंडलर को आप ड्रैग कीजिए ताकि सिर्फ एक साइड आपका मूव करे अगर आपको इलिप्स टूल से प्रॉब्लम हो रहा है देन आप डायरेक्टली यहाँ से पेन टूल यूज़ कर सकते हैं मैं एक आर्बिटरी शेप यहाँ बना लेती हूँ तो अभी आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये शेप को ठीक कर लीजिए ताकि ये जो शार्प एजेस है वो ना रहे वो आपका ऐसे स्मूथ हो जाए ये हैंडलर है और हैंडलर को यूज़ करके मैं इस शेप को चेंज कर रही हूँ अगर फिर भी ये नीचे प्रॉब्लम है तो आप ऑल्ट प्रेस करके ये हैंडलर को ऐसे ड्रैग कीजिए ताकि ये शेप सही हो जाए और ये जो शार्प पॉइंट है इस शार्प पॉइंट को आप ये विजेट से ठीक मत कीजिए आप सिर्फ हैंडलर से उसको ठीक कीजिए तो मैं इसको और थोड़ा ऊपर उठा के मैं इस शेप को नॉर्मल कर दूंगी अगर आपको यहाँ ऐड एंकर पॉइंट करना है तो आप यहाँ ऐड एंकर पॉइंट कीजिए और यहाँ से आप इस लाइन को अंदर की तरफ खींच के शेप को सही कीजिए सो so अगेन मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और यहाँ इस शेप को मैं सही कर रही हूँ अभी जो ग्रेप्स का एक्चुअल इमेज है उसका काम मेरा ख़त्म हो गया है बट मुझे इस ये इमेज चाहिए ताकि मैं यहाँ से कलर्स ले सकूँ अब देखिए यहाँ अगर मैं कलर फील करना स्टार्ट कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली ये जो एरिया है वो पूरा ऐसे वाइट कलर या जो कलर आपके इस फील ऑप्शन में है उसमें आ जाएगा बट अगर मैं इस पर कलर फील करूँगी तो मुझे एक्चुअल जो ग्रेप्स का कलर पीछे है वो मुझे नहीं दिखाई देगा तो इसलिए मैं एक चीज़ करूँगी वो है मैं जाऊँगी व्यू और आउटलाइन बट उससे पहले ये फिल कलर को आप नन कर दीजिए सिर्फ स्ट्रोक कलर रखिए एंड अब जाइए व्यू और आउटलाइन अब व्यू और आउटलाइन में क्या होता है आप अगर इसमें कुछ कलर फिल भी कर रहे हैं तो वो विजिबल नहीं होता है और एक चीज आप यहां से ओपन कीजिए वो है विंडो और विंडो से आप ओपन कीजिए नेविगेटर सो so, नेविगेटर पैनल अगर आप ओपन करेंगे तो जो ग्रेप्स का क्या कलर आप डाल रहे हैं ये आउटलाइन मोड में वो यहाँ दिखाई देगा अभी ये टूल पैनल से देखिए यहाँ एक ऑप्शन है वो है मेश टूल आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं या आप ऑब्जेक्ट में जाइए देन क्रिएट ग्रेडियंट मेश ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेश यहाँ से क्रिएट हो जाएगा अगर मुझे कॉलम्स या थ्री करना है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं बट मैं यहाँ से मैश ऑप्शन नहीं यूज़ करूँगी मैं यूज़ करूँगी यहाँ से बट ये जो व्हाइट कलर है इसको मैं अभी के लिए नान कर रही हूँ और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ मैश ये आपका ऑब्जेक्ट है बट अभी मैंने मैश टूल तो सिलेक्ट कर लिया है बट यहाँ मैं कहीं भी क्लिक करने ही पा रही हूँ सो so, आप ये एज जहाँ ये लाइंस है यहाँ आप एक बार क्लिक कीजिए तो आपको जितना यहाँ पॉइंट्स चाहिए वो आप ऐसे यहाँ क्लिक कर लीजिए तो मैं और एक इमेज में आपको दिखाती हूँ कि व्हाट एक्चुअली मेस टूल डज सो मेरे पास ये सर्कल है सिंपल सा एक सर्कल है अभी इस सर्कल में मुझे मेस कलर मीन्स इस सर्कल को मुझे मोरलेस थ्री डी लुक देना है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेश ये जो सॉलिड कलर है वो मैं ये डार्क रेड कर देती हूँ एंड नो स्ट्रोक अभी अगर मुझे इस पर मैश यूज़ करना है तो मैं यहाँ से मेश टूल सिलेक्ट करके ऐसे कॉलम्स एंड रो क्रिएट करूँगी अभी देखिए जितना ज़्यादा आप कॉलम्स एंड रो क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेश शार्प हो जाएगा अभी यहाँ मुझे कुछ कलर देना है तो मैं ये फिल कलर के ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ और मैं यहाँ एक कलर दे रही हूँ अब देखिए इस एरिया में एक कलर फील हो गया अगर मुझे ये साइड पे कलर देना है देन आप शिफ्ट प्रेस करके ये एंकर पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन आप यहाँ से साइट के लिए कुछ भी एक कलर यहाँ से आप चूज कीजिए अब देखिए ये एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है इसलिए जो कलर आएगा वो सिर्फ सिलेक्टेड एंकर पॉइंट में आएगा तो यहाँ से मैं कलर दे रही हूँ अब देखिए ये एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया सो इस एंकर पॉइंट के यहाँ कलर चेंज हो गया यहाँ भी अभी चेंज हो जाएगा और इधर भी सो so, जब आप ऐसे इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स में या मेश पॉइंट्स पे आप कलर डाल रहे हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्ट का लुक एंड फील काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड द मेश सो ये सेम चीज़ मैं यहाँ करने वाली हूँ तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मेश टूल और ऐसे में कॉलम्स एंड रोज क्रिएट कर देती हूँ आप पहले कुछ कॉलम्स एंड रोज क्रिएट कीजिए बाद में अगर आपको ज़्यादा कॉलम्स एंड रोज चाहिए वो आप इस पर डाल सकते हैं अब देखिए ये नेविगेटर पैनल में ये विजिबल है कि ये इसमें वाइट बैकग्राउंड है और ये फील्ड कंप्लीटली फील्ड कलर है सो लेट मी जस्ट जूम दिस फर्स्ट मुझे ये वाइट कलर डालना है अगर आपको एक नॉर्मल रेड कलर डालना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अभी मैं ये मेज टूल सिलेक्ट करके ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रही हूँ या ये एंकर पॉइंट जहाँ ऐसे वाइट कलर्स है देन आप ये आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट कीजिए यहाँ एक बार क्लिक कीजिए अब देखिए यहाँ ये विजिबल हो गया कि आप इसके ऊपर क्या कलर डाल रहे हैं देन मैं चूज़ कर रही हूँ ये एंकर पॉइंट और मैं यहाँ से और एक कलर को चूज कर रही हूँ मुझे इस एरिया को चूज करना है अगेन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ मे टूल और ये एंकर ये जो तीन चार एंकर पॉइंट्स मुझे साथ में सिलेक्ट करना है सो so, अगर साथ में सिलेक्ट नहीं हो रहा है देन आप एक, एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे मशीन में समटाइम्स शिफ्ट का इशू होता है तो सब कुछ साथ में सिलेक्ट नहीं होता है तो मैं यहाँ से ये कलर डाल रही हूँ यहाँ देखिए अभी यहाँ कलर चेंज हो गया है सेम वे में मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं ये कलर इस पर डाल रही हूँ तो ऐसा करके आप ये जहाँ से आपको ये येलो कलर यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लीजिए देन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये एंकर पॉइंट और मैं इस कलर को यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ देन आप चूज कीजिए ये एंकर पॉइंट मेश टूल से चूज कीजिए ये एंकर पॉइंट एंड देन इस एंकर पॉइंट में आप ये कलर डाल दीजिए ये देखिए यहाँ भी कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है नाउ मैं मेश टूल से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ एंड ये कलर इस एंकर पॉइंट में मैं डाल देती हूँ देन यू सिलेक्ट दिस एंकर पॉइंट एंड जो डार्क कलर है वो आप इस पर यहाँ डाल दीजिए अब देखिए धीरे धीरे आपके पास जितने भी एंकर पॉइंट्स है सब सब पे कुछ ना कुछ कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस एंकर पॉइंट एंड इस कलर को मैं यहाँ डाल रही हूँ अब देखिए यहाँ धीरे धीरे सब कलर्स uh, और ये सब विजिबल हो रहा है आई सिलेक्ट दिस एंकर पॉइंट एंड यहाँ ऑलरेडी एक कलर है सो आई एम सिलेक्टिंग दिस एंड आई एम चेंजिंग दिस कलर अभी ये नीचे का पार्ट नीचे का पार्ट के लिए आई एम सिलेक्टिंग ये एंकर पॉइंट ये फर्स्ट आई एम सिलेक्टिंग दिस एंकर पॉइंट देन यहाँ से मैंने कलर चेंज किया नाउ आई विल सिलेक्ट दिस एंकर पॉइंट एंड आई विल चेंज दिस कलर टू अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये एंकर पॉइंट अभी जो कलर्स यहाँ क्रिएट हुआ है वो ये कलर से इसको अगर आपको देखना है तो आप व्यू में जाइए एंड कीजिए जे पी जे पी ई व्यू इसमें देखिए अभी भी वाइट कलर है अगर मुझे इस वाइट कलर को हटाना है देन फिर से मैं आउटलाइन मोड पे जाती हूँ और ये मै टूल सिलेक्ट करके हर एरिया का ऐसे कलर में चेंज कर देती हूँ आप फिर से मेश टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर्स को चेंज कर दीजिए सो so, जहाँ यहाँ देखिए कलर छूट गया है सो आई कैन क्रिएट सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड इस पर मैं ये वाइट कलर को डाल देती हूँ नाउ आपको अगर दूसरा एक एंकर पॉइंट या मेश पॉइंट रादर क्रिएट करना है तो आप इस लाइन के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए तो और एक मेश पॉइंट यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा नाउ जहाँ जो कलर्स आपको ऐड करना है वो आप एक एक करके एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके ऐड कर लीजिए नाउ कम्स दिस एरिया इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ देन आई एम चेंजिंग दिस मेश कलर अच्छा अभी आई एम सिलेक्टिंग दिस एंकर पॉइंट एंड देन आई एम एडिंग कलर टू दिस आप देखिए बहुत सारा जगह एक साथ कलर हो गया है नाउ आई सिलेक्ट दिस एरिया एंड यहाँ से भी मैं कलर को चेंज कर रही हूँ सेकेंड ये छोटा सा एरिया है उसको आप ऐसे डाल दीजिए यहाँ आप नोटिस कीजिए मोरल लेस धीरे धीरे फुल एरिया में कलर कवर हो रहा है नाव आई सेलेक्ट दिस एरिया एंड इसमें मैं ये डार्क कलर को डाल दूँगी ना यू कैन गो टू व्यू एंड जे पी ई व्यू सॉरी जी पी ई व्यू तो इसमें आपको अगर अभी कुछ चेंजेस चाहिए कि ठीक है कुछ कलर है जो मुझे एड करना है या इस कलर्स को स्प्रेड करना है ज़्यादा तो आप ये एंकर पॉइंट्स या मिश पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं अगर मुझे यहाँ और थोड़ा कलर वेरिएशन चाहिए देन अभी आप सिलेक्ट कीजिए और ये आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कुछ भी कलर लेके उसमें आप डाल दीजिए ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए